वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपका सामने नया रेसिपी लेके आ गई हूँ। चना का फोरन दिखा रहा है आज। एक कप उबाल वाला चना 250 ग्राम, इलाच पाउडर, सौंफ 100 ग्राम, गुड़, नमक स्वाद के लिए। फोरन बनाने के लिए चावल 1 गिलास चावल, छोटा मीडियम का साइज का चावल 1 गिलास, और 1.5 गिलास उर्द का दाल पानी में भिगा के पानी को निकाल दिए। उसको बाद में 2 घंटा भिगाने के बाद पानी में पानी छोड़ना है, फिर मिक्सी में मिक्सी जार में डाल के पीस करना है। बस ऐसा बन जाता है आटा। चलिए बनाएंगे। चलिए स्टोव को ऑन करेंगे। स्टोव ऑन किए, अब ये उबाल रहे, अभी इसको हम डीप फ्राई के लिए तेल ऑयल डालेंगे। अभी वीडियो में दिखाई दिया है ना, चना दाल और गुड़, उबाल वाला चना दाल गुड़ में इस मिक्स करके मैं जार में डाल के इसको पीस किया। अभी इसको हम अच्छी तरह हाथ से मिलाएंगे। अभी इसमें सौंफ डाल रही है 1/2 स्पून, और 1/2 स्पून इलाच पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। इसमें नमक डाल दिया स्वाद का अनुसार, ये आटा में चावल का उर्दू का डाल में। अभी इसको हम ऐसा लड्डू बना के ऐसा लड्डू बनाएंगे, गोल गोल लड्डू, बहुत जल्दी हो जाता है पूरा हम प्रिपेयर करके रखने से। बहुत अच्छा स्वाद है ये, 2 दिन 3 दिन रहता है, ये खराब नहीं होता है। ऐसा लड्डू बना के देखिए, ये भी गर्म हो रहे हैं, ऑयल भी गर्म हो रहे हैं। लड्डू को ऐसा पूरा लड्डू बना के एक साइड में रखेंगे। ऐसा करके अभी इसको हम
ऑयल गरम हो गया। अभी इसको हम इसमें ऐसा एक एक आटा को इसी तरह होना चाहिए, इसी तरह लूज ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए। ऐसा करके एक एक तेल में छोड़ना है। अभी ये फ्राई हो गया, अभी इसको हम निकालेंगे और बाकी वाला आटा भी लड्डू भी इसमें आटा मिला के डालेंगे। और बाकी चना दाल स्वीट फोरनम तैयार हो गया। आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, एक बार टेस्ट देख लीजिए, आपको पसंद आएगा तो आप बना के खा लीजिए, सब परिवार को खिलाइए, वो लोग बहुत खुशी हो जाएगा। आप लोग ये वीडियो देख के हम जैसा बता रहे आप अच्छी तरह वीडियो एक दो बार देखने से आपको पता चलेगा, उसी तरह आप लोग बनाइए। आप वीडियो एक बार देख के बनाने से खराब होने से हमको कोई मतलब नहीं है, आप आराम से देख के बना के बनाने से आपको अच्छी तरह को हम जैसा बना रहे ऐसा आप लोग भी बन जाता है। थैंक यू।